कि विकास का सही मतलब तब है जब इस शहर के जो मेहनत कश जनता है उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिक्कत ना हो। विकास का मतलब तब है जब इस शहर के जो परिवार है, जो लोग इस दुनिया, इस देश, शहर में रहते हैं, उनको अपने माँ बाप को इलाज कराने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। कुछ साल पहले कोविड का टाइम था, उस दौरान करोड़ों की निधि, करीबन 20 करोड़ की निधि लाई गई थी गोल्डन नेस्ट से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेच्यू तक रोड बनाने की, जी कॉन्क्रीट के रोड। आपका वहाँ जाना हुआ होगा, वहाँ के रोड के हालात के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले सड़क के बारे में बात करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो पूरी राजनीति के मुद्दे हैं वो सड़क और गटर से उठ नहीं पाते हम मीरा भंजे के नागरिक, ये हमारी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि जब हम सड़क ही अच्छी होती ही नहीं है तो उठेंगे कैसे? बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि जब सड़क और गटर ही नहीं बने और उसी मुद्दों को लेकर हम गोल गोल घूमते रहें तो हम कब शिक्षा की बात करेंगे? हम कब बात करेंगे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो स्कूल है वो बिल्कुल बहुत ही ख़राब हालत में है? हम कब बात करेंगे कि मीरा भाईंदर के अंदर जो नगर पालिका में जो मजदूर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, उनके साथ किस तरीके से वेतन के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है? तो इन मुद्दों पर हम बात ही नहीं कर पाते, ये मुद्दा है। अब आते हैं बात सड़क पर कि देखिए, सड़क की बात ऐसी है कि कोई तो पिक्चर है, मुझे उसका नाम याद नहीं, अक्षय कुमार है उस पिक्चर में, उस पिक्चर में दिखाया गया भ्रष्टाचार। उस फिल्म में अक्षय कुमार एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो एक सड़क का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट बनाने एक ही सड़क का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलता है, बार बार मिलता है, और उसी एक सड़क के कॉन्ट्रैक्ट से उसकी ज़िंदगी निकल जाती है, मतलब वो ज़िंदगी उसी से चलता है। तो हमारी मीरा भाईंदर की सड़कों की भी यही कहानी है, और एक साथ पूरे मीरा भाईंदर के अंदर खड्डा खोद दिया एक साथ। अभी मतलब ये खुदा का करम है कि बारिश उतनी ज़ोर से हुई नहीं जितनी होती है आमतौर पर इस वक्त तक, अगर जुलाई अगर वैसी बारिश हो जाती तो आज मीरा भाईंदर जो है वो 26 जुलाई में जाने को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और ये सड़क बनने के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि मैं क्या बताऊँ, कि पूरे नया नगर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, और आज से नहीं है, 10 सालों से उसी कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है। कैसे मिलता है कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं, और जो काम होता है सड़क का वो क्वालिटी क्या है वो आपको मालूम ही है कि खड्डे इतने हैं, एक्सीडेंट जो सबसे ज़्यादा अगर होते हैं सैफ भाई, तो ये सड़क के दुर्घटना होता है खड्डे से बचने के चक्कर में। बाइक वाला चला रहा है, खड्डे से बचना है वैसे मारता है, तो ये दुर्घटनाएं होती है सड़क के घुटनाएं। और हर तरफ जो है, इस शहर का दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि रोड कहाँ बनना है, फ्लाईओवर कहाँ बनना है, ये शहर के नेता क्लेम करते हैं कि उन्होंने प्लानिंग करी है। ठीक है, अब जब शहर के नेता सड़क की कहाँ बनना है कैसे बनना है प्लानिंग करेंगे तो जो हालात ख़राब है तो उसके लिए भी शहर के नेता को ही इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सड़क और गटर की राजनीति में शहर के नेता चाहते हैं कि जनता फंसे रहे और इस मुद्दों से उठे नहीं, और हमारी कोशिश है कि सड़क और गटर की राजनीति तो बहुत बेसिक चीज़ है भाई, ये तो नगर पालिका का बुनियादी काम है, चाहे वो सड़क हो, गटर हो या पानी हो। पानी आज भी देखिए, हम सालों से सुनते आए, आप भी सालों से सुनते आए होंगे कि 24 घंटे पानी आएगा, 24 घंटे पानी आएगा। देखिए, ये दूसरा एक मजाक हमेशा हमारे साथ होता ही है मीरा भाईंदर के लोगों के साथ, कि हमको कोई पूछता है ना भाई तुम कहाँ रहते हो, तो हम बोलते हैं हम तो मुंबई में रहते हैं। हम बोलते हैं हम मुंबई में रहते हैं, और मुंबई में क्या है 24 घंटे पानी आता है, हमारे यहाँ पे क्या है 10 मिनट पानी आता है, उसमें भी पानी के अंदर भी क्या आता है, जब हमारे यहाँ पे आज तो फिर भी हम कहेंगे कि पानी की हालत बेहतर है, आज से 10 साल पहले जब पानी का हालत नहीं था तो हमारे यहाँ के शहर के नेताओं ने ये नहीं किया कि वो पानी की हालत को बेहतर करने के लिए लड़े, उन्होंने खुद का टैंकर का बिज़नेस चालू किया, तो वो बिज़नेस से भी वो कमाए। तो देखिए, ये शहर के अंदर जो नेता हैं वो बिल्डर हैं और बिज़नेसमैन हैं, वो जो भी प्लानिंग करते हैं, वो जो भी करते हैं वो अपना तरक्की के लिए करते हैं प्लानिंग। अगर मेट्रो के नीचे फ्लाईओवर बन रहा है तो उस फ्लाईओवर के बाजू में जो है उसी बिल्डर नेता का कंस्ट्रक्शन का ज़मीन होगी। अगर फाउंटेन से लेकर भाईंदर का कुछ रोड बन रहा है तो अगर वो कोई शिवसेना के नेता का नाम आता है कि उन्होंने प्लानिंग करी है तो उसके आसपास की जो ज़मीन है वो उसी नेता के हाथ में होगी। तो वो प्लानिंग करते हैं कि ये विकास होगा और इस विकास में मेरा विकास कैसे होगा, और लोगों को लगता है कि चलो विकास हो रहा है। लेकिन मैं CPM पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि विकास का सही मतलब तब है जब इस शहर के जो मेहनत कश जनता है उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिक्कत ना हो। विकास का मतलब तब है जब इस शहर के जो परिवार है, जो लोग इस दुनिया, इस देश, शहर में रहते हैं, उनको अपने माँ बाप को इलाज कराने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। ये रोज़ की बात है कि मेरे पास, हमारे ऑफिस में रोज लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, वो बोलती हैं भाई फीस का मदद कर दीजिए। हम करते हैं अपनी तरफ से जो भी करते हैं, हाँ उसकी वीडियो नहीं बनाते, प्रचार नहीं करते, लेकिन ये हालत है कि लोगों को एक तरीके से भिखारी बना के छोड़ा है इस व्यवस्था ने। मीरा भाईंदर के अंदर 1800 करोड़ का बजट है, इस 1800 करोड़ के बजट के अंदर कितना पैसा शिक्षण व्यवस्था को ठीक करने के लिए खर्च किया जा रहा है उसको लेकर सवाल जो है आने वाले दिनों में CPM उठाएगी। कितना पैसा अस्पताल व्यवस्था खड़ा करने की, आज अनाउंसमेंट होती रहती है कि इसके नाम से अस्पताल बन गया, उसके नाम से कहाँ इलाज मिल रहा है,
आज लोग जाते हैं मुंबई नायर हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे इलाज नहीं मिलता, लोग घर में मर जाते हैं इलाज के बिना। तो ये 2024 में विश्व गुरु बनने के बाद ये हमारी हालत है, लेकिन इसके बारे में विपक्ष भी कुछ नहीं करता। तो और हम जो है सड़कों पर उतर के इस मुद्दे को लेकर काम करते हैं, और मीरा रोड के लोग, नया नगर के लोग ये जानते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर ये प्राइवेट स्कूल मीरा बंदर के अंदर जितना भ्रष्टाचार या गलत काम करते हैं उन मुद्दों को लेकर, रसा जो सरकारी स्कूल है उस मुद्दे को लेकर, अस्पताल के मुद्दे को लेकर हम आने वाले दिनों में इस इलाके में आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और लोगों को सीधा राजनीति में जो सत्ता में जो है उनसे सवाल करने का जो एक कल्चर वो डेवलप करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।